किसान साथियों नमस्कार। बात कर लेते हैं इंदौर मंडी के आज के ताज़ा भाव के बारे में। किसान साथियों दिनांक की बात करें तो 19 सितंबर 2024 हो चुका है। तो आज की जो डेट है 19 सितंबर 2024 आज का जो भाव है क्या देखने को मिला है, तो चलिए जान लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सही और सटीक जानकारी के द्वारा बताएंगे आज के ताज़ा अपडेट ताज़ा रिपोर्ट के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट ताज़ा रिपोर्ट। दोस्तों आवक कम देखने को मिली है, 40 से लेकर 45 हज़ार कट्टे के बीच में देखने को मिली हुई है। कहीं ना कहीं आवक कम देखने को मिली है मंडी में। और अगर नीलामी रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों आज 3700 रुपये से लेकर 4800 3900 4000 4100 हाईएस्ट बिकता हुआ नज़र आया है। प्याज की जो स्थिति है 3700 रुपये से लेकर 3800 3900 सुपर प्याज की मैं बात कर रहा हूँ कि सुपर जो टॉप क्वालिटी प्याज होता है, जो सुपर प्याज होता है, जिस 3700 3800 3900 4000 4100 हाईएस्ट 4100 के भाव में बिकता हुआ नज़र आया है इंदौर मंडी में किसान साथियों। मीडियम प्याज की अगर बात करें वहीं 3000 रुपये से लेकर 3200 3300 3400 3500 3600 की रेंज में बिकता हुआ नजर आया है। छोटे छटन मिक्स गोल्टा गोल्टी प्याज की अगर बात करें तो ऑल ओवर मंडी के अनुसार किसान साथियों कहीं ना कहीं हद तक जितनी भी है ऑल ओवर मंडी की जो स्थिति है वो 2000 रुपये से लेकर 2500 2200 2500 3000 रुपये की रेंज में बिकती हुई नजर आई है। प्याज के भाव की जो स्थिति है कहीं ना कहीं हद तक किसान साथियों इंदौर मंडी में काफ़ी हद तक अच्छी देखने को मिली है। 3900 4000 4100 का जो भाव है आज के दिन इंदौर मंडी में देखने को मिला है। प्याज की जो स्थिति है बहुत टॉप की देखने को मिली हुई है। दोस्तों स्थिरता बनी हुई है, प्याज की मंडी के जो भाव हैं कहीं ना कहीं टॉप क्वालिटी में देखने को मिल रहे हैं, तेज़ी बरकरार है क्योंकि होलसेल के जो रेट हैं किसान साथियों वहाँ पर काफ़ी हाईएस्ट देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर मंडी की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा हद तक देखने को मिली हुई है। आज अगर बांग्लादेश निर्यात की बात करें तो लगभग 70 से लेकर 80 गाड़ियों की निर्यात देखने को मिला है आज के दिन किसान साथियों। आज 19 सितंबर 2024 के दिन बांग्लादेश जो निर्यात अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हुई है। 80 गाड़ियों का जो निर्यात है किसान साथियों देखने को मिला हुआ है आज के दिन। और ऑल ओवर मंडी के अनुसार निर्यात की स्थिति काफ़ी मार्जिन में अच्छी देखने को मिल रही है। तो इस समय जो स्थिति है प्याज में तेज़ी आने की संभावना दिन पे दिन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है किसान साथियों, क्योंकि महाराष्ट्र की मंडियों की अगर बात करें तो 4000 रुपये से लेकर 4500 के जो भाव है महाराष्ट्र की मंडियों में देखने को मिल रहे हैं। और इस समय दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त माहौल, तेज़ी के जो दौर है वो बिल्कुल सटीक देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी पकड़, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है किसान साथियों। कहीं ना कहीं हद तक अगर आगे आने वाले समय की बात करें तो तेज़ी का दौर फिर देखने को मिलेगा क्योंकि निर्यात बराबर हो रहा है। ज़्यादा निर्यात मात्रा में अगर ज़्यादा हुआ तो तेज़ी आने की फुल संभावना बनती हुई नज़र आएगी। और इस समय किसान साथियों 70 से लेकर 80 गाड़ियों का जो आज एवरेजन माल है वो दिल्ली आज़ादपुर मंडी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों से बात करें तो बांग्लादेश निर्यात होता हुआ नज़र आया है। काफ़ी हद तक स्थिति प्याज के भाव में बहुत ही ज़बरदस्त माहौल के साथ तेज़ी के दौर में देखने को मिली हुई है किसान साथियों। ऐसे में आपका निजी निर्णय क्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करेंगे।